हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एज राव साइंस क्लासेस में। बच्चों मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 22 तारीख से आपका लाइव क्लास चलेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारा ये जो लाइव क्लास है वो अब मंडे से चलेगा। समय तो वही रहेगा 6 बजे, 6 PM से चलेगा, लेकिन वो समय है आपका 25/10/2021 दिन मंडे। अब हमारा क्लास जो है, जो लाइव क्लास है वो मंडे से चलेगा, तब तक सभी व्यवधान खत्म हो जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो लाइव क्लास है उसका आनंद जो है 25 तारीख से मिलेगा शाम 6 बजे से। तो बच्चों मैंने उसी आर्टिफिशियल लाइट में ही ये वीडियो बनाया ताकि आपको प्रूफ हो जाए कि हाँ हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं लाइव आने का, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं तो कुछ समस्याएं हैं, लेकिन पूरा हरसक प्रयास किया जा रहा है कि अब आपके सामने लाइव आ जाए। तो लाइव क्लास आपका कितने बजे से? 6 PM से 25/10/2021 से मंडे से चलाया जाएगा। उसमें आप लोग अपने हित मित्रों के साथ में, इष्ट मित्र के साथ अधिक से अधिक संख्या में आप उससे जुड़े। हमारा आप तो लिंक जानते ही हैं, HD Rao साइंस क्लासेस है, HD Rao साइंस क्लासेस, ये हमारे चैनल का नाम है। और जो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए वो तो मन चाहे तो सब्सक्राइब कर लें, लेकिन उनके लाइव क्लास तो पक्का है मंडे से चालू हो जाएगी, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपकी बिल्कुल उसी उजाले में है, कृत्रिम में है, और इसके जो मेंटेनेंस है ये और सही करने के लिए क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। इसी क्लैरिटी के कारण हम लाइव आज नहीं आ पा रहे हैं। तो क्लैरिटी मतलब इसमें जो प्रॉब्लम है वो 1-2 दिन में सही हो जाएगी, और मंगलवार से हम आशा करते हैं कि आप लोग हमें लाइव देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम कुछ वीडियो बना दें आपके लिए ताकि आपका समय जाया ना हो। तो आज आपका जो वीडियो है वो क्लास 12 से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसका नाम है क्लास 12 का वीडियो है। और ये वीडियो जो आज बनाया जा रहा है इसको लेकर के पुनः मतलब अगले दिन जब सोमवार को हमारा लाइव आएगा तो इसको इसका पुनः रिवीजन कर दिया जाएगा, रिपीट करके तब क्लास को चालू करेंगे, एक पार्ट से शुरू करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आज का वीडियो आपको बताने के लिए ही बनाए थे कि हाँ हमारा जो ये लाइव है ये हम 25/10/2021 से आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे लाइव क्लास। लेकिन आज का जो वीडियो है कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री से लिया गया है, केमिस्ट्री में सेकंड पेपर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड पेपर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसी से वीडियो है। वीडियो का जो चैप्टर है मतलब जो पार्ट का नाम है वह है एल्किल हैलाइड। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत हर मायने में आपकी तरफ क्या आपके लिए खास होने वाला है। तो एल्किल हैलाइड्स आप जानते हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है एल्किल और दूसरा है हैलाइड। जब एल्किल और हैलाइड आपस में मिलते हैं तो उससे वाला जो बनने वाला जो यौगिक होता है वह आपका एल्किल हैलाइड होता है। अब एल्किल किसे कहते हैं? देखिए अब एल्किल जो है एल्केन, समझते हैं आप, कक्षा 11 में आपको पढ़ाया गया था एल्केन यानी एन बांड को पढ़ाया गया था, जैसे CH4 C2H6 C3H8 ये क्या है आपका एल्केन है। तो जब एल्केन में एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है, एक हाइड्रोजन परमाणु निकल करके उसके स्थान पर जब कोई, जैसे यहां पर देखें CH4 है ये इस तरह से है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाए, और तब जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो शेष जो परमाणु बचता है उसे कहते हैं एल्केन। अर्थात एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है, एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है तो जो शेष परमाणु बचता है उसे कहते हैं एल्किल। क्या कहते हैं? एल्किल।
और जो प्रोटॉन निकल जाता है उसका स्थान कौन लेता है? हैलाइड। कौन लेता है? तो जोड़ करता है हैलाइड से। तो अब यहां पर देखेंगे जैसे एल्केन है, तो एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकल गया यहां पर निकल जाएगा और उसके स्थान पर कोई हैलाइड प्रोटॉन यहां पर। अब हैलाइड प्रोटॉन कौन कौन से हैं? जो हैलाइड परमाणु है वो है आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। ये आपके हैलाइड परमाणु है, ठीक है। अब हैलाइड परमाणु को क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जितने भी हैलोजन फॉर्म होते हैं, हैलोजन वर्ग के जो तत्व होते हैं उनको हम कहते हैं हैलाइड। यानी आप इसको हैलोजन वर्ग के तत्व भी कह सकते हैं। तो जो हैलोजन वर्ग के तत्व होते हैं उन्हें कहते हैं हैलाइड, और जो एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है उसको कहते हैं एल्किल। तो एल्किल में जब कोई हैलाइड जुड़ जाता है तो दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। समझे बच्चे? तो अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया और उसके स्थान पर कोई चीज जैसे सीएल है, बीआर है, वो यहाँ पर जुड़ जाए। तो यहाँ पर जुड़ गया। तो अब देखिए क्या बना, तो यहाँ बना CH3 और ये बना सीएल। अभी क्या हुआ, अब CH3 को आप एल्किल कह सकते हैं, इसको आप क्लोरीन कह सकते हैं। तो अब दोनों को मिलाकर के कहेंगे, क्या कहेंगे? मेथिल क्लोराइड। अब मेथेन नहीं है, जब जैसे आपका एल्केन है, मैंने अभी आपको एल्केन में जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है जो परमाणु बचता है उसे कहते हैं, जब यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तब जो बचता है उसे कहते हैं एल्किल। क्या कहते हैं? एल्किल। एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो क्या बचता है? एल्किल। तो यहां पर जैसे मेथेन था, क्या था? मेथेन। अब मेथेन में से जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो जो बना वो ए वाई एल आ जाएगा, ए एन ए के स्थान पर वाई एल, तो एम ई टी एच वाई एल क्या हो जाएगा? मेथेन। और इसी को कहते हैं एल्किल। और एल्किल को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से, और हैलाइड को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एक्स से। तो अब दोनों के मिश्रण को कहते हैं एल्किल हैलाइड, यानी आर एक्स। क्या हुआ? आर एक्स को क्या कहते हैं? एल्किल। और X को कहते हैं हैलाइड, तो उसमें बीच में बना सिंगल बॉन्ड, तो अब बना ये एल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चों? तो एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए कि एल्केनों के हाइड्रोजन भी उत्पन्न, यहाँ पर जैसा एल्केन था और एल्केन के साथ में जो हाइड्रोजन निकला तो उसका भी उत्पन्न, यानी उसके स्थान पर कौन आया? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एल्केनों के हाइड्रोजन भी उत्पन्न को एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपने क्या लिखा कि एल्केनों के हाइड्रोजन भी उत्पन्न, अर्थात एल्केन में हाइड्रोजन निकलता है उसका रिप्लेसमेंट किसके द्वारा होता है? हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा जब होता है तब उससे बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? एल्किल हैलाइड। अगला है एल्किल हैलाइड को आरएक्स से प्रदर्शित करते हैं, एल्किल हैलाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय Rx से प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो जो एल्किल हैलाइड है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? Rx से। जहां R क्या है? R एल्किल है और X आपका हैलाइड है। X क्या है? हैलाइड है, और दोनों मिलकर के एल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चों? अब एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या है, जनरल फार्मूला इसका क्या है? एल्किल हैलाइड का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1x। ये क्या है? इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1x। 1x का मतलब होता है 1 हैलाइड परमाणु। तो ये हमारा वीडियो एक ट्रेलर था जो है हैलोजन से, एल्किल हैलाइड से। हम लोग पुनः जब
इसको लाइव पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि एल्केल हैलाइड्स क्या है, कैसे इसको बनाया गया, इसका नामक्लेचर क्या है, साधारण नाम क्या है, आईपीएससी में नाम क्या है, एल्केल हैलाइड बनता किससे है, इसका भौतिक गुण, इसका रासायनिक गुण। ठीक है बच्चों, हम मिलेंगे अब आपको सीधे 6 PM पर, ठीक 25/10/2021 पर, दिन सोमवार। तो याद रहे आपको ये दिन जो आपको लाइव आना है, आपको लाइव पढ़ना है, वो तारीख है 21/10/2021, समय है 5-6 बजे मंडे को। हम फिर मिलते हैं, अगर आप पहली बार हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो आप अधिक से अधिक दोस्तों को बता दीजिए, अपने आसपास के क्लास के दोस्तों में, कि अब आपका क्लास चलने वाला है जो लाइव, वो 25 तारीख को चलेगा, ठीक 6 बजे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।